शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनवीसीएन के सभी दर्शकों का मैं रत्नाकर इस खास मुलाकात में स्वागत करता हूं। हमारे देश की धुरा या कहे समाज की धुरा पुरुष वर्ग तो बड़ी आसानी से संभाल लेता है, लेकिन जब इसको महिलाओं के साथ मिलती है तो उसके मायने कुछ अलग हो जाते हैं। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ में है प्रभा क्रमांक 13 की महिला नगर सेविका परिणीता फुके जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। एक ऐसी व्यवस्था की अग्रणी रहना कि आप नगर सेविका है, एक जिम्मेदारी आती है, घर की जिम्मेदारी अलग होती है, तो महिला होने के नाते आपको ये दोनों जिम्मेदारियों का वहन आप कैसे करती हैं? मुझे तो लगता है कि महिला ही सबसे अच्छी मैनेजर होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम हैंडल करने का उनमें वो एक खासियत होती है, तो वही एक खासियत हम सब महिलाओं में है, एक शक्ति है, क्योंकि हम महिला को शक्ति कहते हैं। तो वो जब भी आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई जवाबदारी लेते हैं, तो मुझे लगता है वो ऑटोमेटिकली वो शक्ति अपने आप आ जाती है और वो करने का एक अलग ही होता है। और एक है कि कोई भी चीज़ अब जो आप करना चाहते हो, अगर आप उसको एंजॉय करो तो मुझे लगता है बहुत सरलता से हो जाती है। ये बहुत अहम बात आपने कही है कि जब हम किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उसको एंजॉय करते हो तो उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, देखिए, एक मुसीबतों का सामना करना, एक चैलेंज लेके काम करना, और आज जो चैलेंज हम सबके सामने वो है कोविड-19 का, तो ऐसी व्यवस्था में भी आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं जो कि अनपेक्षित होती हैं, और उसको किस तरह से आपको लोगों के सामने जाना है तो ये भी एक डिटरमिन करने की बहुत अत्यंत एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। आपने एज अ नगर सेविका कैसे इसको, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ ये आपके जवाब देने के बाद में मैं बताऊँगा, तो आपने इसका वहन कैसे किया, कोविड-19 का चैलेंज आपने कैसे एक्सेप्ट किया अपने प्रभाग की जनता के लिए? कोविड-19 ये सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अचानक ये चीज़ हमारे पास आई थी और हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई दिन आएगा जब हमको घरों में लॉक हो जाना पड़ेगा, और ये अचानक था। तो जो साउंड थे, जो लोग शायद उनके लिए ये चैलेंज संभालना इजी था, पर मैं जिस प्रभाग की नगर सेविका हूँ वहाँ पे मैक्सिमम स्लम है जी, और ये जो मुसीबत है मुझे लगता है उन लोगों के लिए सही में बहुत बड़ा चैलेंज था। अचानक वहाँ पर जगह भी कम है, लोगों को अगर झुग्गियों की बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास में जगह कम है, ऐसे में आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग समझाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज वो एक चैलेंज था, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस समझाना। उसके बावजूद एक बड़ा चैलेंज यानी लॉकडाउन हो जाने से उनका रोजगार जो डेली काम करने वाले थे, हाँ, तो उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें घरों में बंद रहना था, तो उनका रोज का खाना पीना या रोज के जो छोटी मोटी उनके ये था ज़रूरतें थी वो कैसे पूरी होंगी, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें अब कैसे हम ये सब चीज़ों से बाहर निकालें या उनको किस तरह का सलूशन हम उनको दें। तो सबसे पहले जब मार्च 22 को लॉकडाउन जारी किया गया जी, तब बहुत लोग बाहर निकल आए, क्योंकि उन्हें उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, इस स्थिति को कैसे निपटा, ये तो सबसे बड़ा सवाल उनके सबके चेहरे पे होगा कि अब हम क्या करें। तो गट्ठे में लोग बाहर निकल आए कि हम अभी क्या करेंगे, हमें तो अभी पता चला ऐसा होने वाला है। तो ये टाइम जब हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना था, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था कि लोग गट्ठे में बाहर आ रहे हैं। हाँ, मतलब इधर सोशल डिस्टेंसिंग आपने अनाउंस कर दिया और लोग एकदम उस सोशल डिस्टेंसिंग के अपोजिट होने लगे, धज्जी उड़ाते हुए रास्ते पर। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने लोगों को समझाया कि कोविड-19 क्या है और ये छोटे छोटे इन्फेक्शन कैसे इसे बढ़ सकता है, और अगर हमने अभी बराबर उसे नहीं संभाला तो हमारे घर घर में ये चीज़ आ जाएगी और ये बहुत बड़ी मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने बेसिक गाइडलाइंस उन्हें समझा के बताई कि कोविड क्या है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये बीमारी कितने जल्दी फैल सकती है जी। क्योंकि जस्ट सुना और ये बाहर निकलने लगे, बट वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत आराम से सुनी और समझी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनके बावजूद मैंने उन्हें कहा कि किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हेल्पलाइन नंबर हमने दिए, मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर भी उन्हें दिया गया था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, और अगर कुछ है तो मैं सोल्यूशन आपको फ़ोन पे दूंगी। और हमारे ऑफिस के लोग ये पूरे 3-4 महीने कंटिन्यूस काम कर रहे थे उनके लिए, तो छोटी मोटी चीज़ें तो सरकार की तरफ से भी जाहिर की गई थी, काफ़ी चीज़ें सरकार की तरफ से आई थी,
जैसे राशन सबसे पहले जो मेन मुद्दा था कि खाना पीने खाने का की जो बेसिक जरूरत है, बेसिक जरूरत है, तो ये जरूरतें अपने केंद्रीय सरकार की तरफ से अनाउंस हो गई थी कि हम राशन उनको फ्री देने वाले हैं। तो ये हमने उनको समझाया, फिर फ्री देने के बावजूद था कि राशन कार्ड जिनके पास थी है तो उनके लिए फिर आधार कार्ड के भरोसे राशन टेक्निकल डिफिकल्टीज जो आ रही थी, तो उसके फिर राशन हमने उपलब्धि करा के दी। और मेरा जनसंपर्क कार्यालय वही है, तो कंटिन्यू जो हमारा स्टाफ वहाँ काम कर रहा था, तो जिनको भी ये छोटी मोटी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा था हम कंटिन्यूसली उनको फॉलो करके उनका समाधान हम लोग कर रहे थे। उसके बावजूद फिर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य हो गया था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। हमारे पर्सनल लेवल पे पर्सनल खर्चे से भी हम लोग ने अन्न धान्य का वाटप हमारे इसमें किया। राष्ट्रीय सेवक संघ से भी काफ़ी हद तक हमारे यहाँ किट्स प्रोवाइड हुई, कम से कम 2-4 हज़ार किट हमारे यहाँ उनके तरफ से आई। काफ़ी एनजीओज ने मदद की, तो ये जो सिचुएशन थी इसमें सारे लोगों ने हेल्प की, जिसके वजह से मुझे लगता है कि बहुत सरलता से हम उसे थोड़ा एक अच्छे तरीके से, मतलब लोगों तक आप सही तरीके से जा पाई। मैं तो कहता हूँ कि आपका जो एक रोल था, आपके तरफ लोगों का नजर एक माँ के दृष्टिकोण से देखते होंगे, तो उस दृष्टिकोण से आपने उनको अपने बच्चों को, प्रभात के बच्चों को शायद सही तरीके से अपने एक, लेकिन कंट्रोवर्सी ये रही है, मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनके बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का आधार, शुरुआत से मैं सिर्फ COVID-19 की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, एक प्रशासकीय अधिकारी जो आयुक्त महोदय थे वो आए और कहीं ना कहीं ये कहा गया, हमारे डिबेट्स भी हमारे चैनल के माध्यम से कई हम लोगों ने जो नगर सेवक और नगर सेविका उनसे बात भी की, तो ये पता चला कि प्रशासन के अधिकारी सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का उसमें सहभाग नहीं है। और यही सवाल मैं आपको पूछने, इसी से लिंक करते मैंने आपको पहला सवाल पूछा था, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका जो सवाल है ये सही में डिबेटिकल है एक्चुअली। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से, बट देखो इंटेंशन सबका अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने गलत इंटेंशन से काम किया। शायद माननीय आयुक्त जी ने भी, उनका इंटेंशन अच्छा था, कोविड को वो पर्टिकुलर टाइम पे संभालना बहुत जरूरी था, क्योंकि अचानक आई हुई चीज थी, कोविड को हम रिस्ट्रिक्ट करें। हाँ जी, अचानक आई हुई चीज थी, तो शायद प्रायोरिटी उनकी वो थी। लेकिन मैंने इसके पहले भी इस पे बहुत मुद्दे उठाए गए, तो मेरा एक ही कहना था उनसे भी, आयुक्त जी से भी, कि उन्होंने भले ही अच्छा इंटेंशन था, काम अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन देखो जनप्रतिनिधि जो होता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में पब्लिक के होता बिल्कुल है सही। और जब भी किसी भी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आयुक्त के पास दौड़ के नहीं जा सकता, वो जनप्रतिनिधि के पास आता है। और ये हमको पता है कि उनको किस तरह से हमें सोल्यूशन देने हैं। आपका अप्रोच जो है एक प्रशासकीय अधिकारी से ज्यादा आपका अप्रोच जो है वो उनके साथ में थोड़ा सा समन्वय बहुत ज्यादा अच्छा है, और आप जो कहेंगे वो लोग मानेंगे। Exactly. तो और ये प्रशासकीय अधिकारियों की मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसे कई उदाहरण जहां पर मैं आपको बता भी सकूंगा कि शतरंजीपुरा जोन हो गया, जहां पर क्वारंटाइन करने के लिए जब ले जाया गया तो वहां पर लोगों ने उनको प्रतिसाद नहीं दिया प्रशासकीय अधिकारियों को। वहीं अगर जनप्रतिनिधियों को शायद इन्वॉल्व किया जाता, उनसे वो सलाह मशवरा सही समय पर किया जाता, तो शायद कहानी दूसरी होती थी। मैंने जैसे अभी कहा कि जैसे कोविड का ये सिचुएशन आया था तो लोग भागते हुए हमारे घरों पे आए थे जनप्रतिनिधि करके, वो आयुक्त के पास भागते नहीं गए। तो जब हम उनका समाधान उस टाइम किया उस टाइम पे, तो डेफिनेटली अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो हमको ही उन्हें बताना है कि इसके आगे कैसे करना है जी। तो इसमें मुझे लगता है कहीं तभी आयुक्त ने ये गलती की थी कि उन्होंने डायरेक्ट सबको अप्रोच करना चाहा, हर चीज़ का निर्णय डायरेक्ट लेके उन्होंने कहीं तभी हर चीज़ पे कमांडिंग काम करना चाहा। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि शायद उनका इंटेंशन गलत नहीं था उस टाइम पे, तरीका गलत था। हाँ, उन्होंने जो काम करने का उनका तरीका था वो कहीं तो गलत था, क्योंकि जनप्रतिनिधि को पूछना उनका काम था। आप इतने बड़े नागपुर में जनप्रतिनिधि हर एरिया का एक फेस रहता है, तो अगर मेरे एरिया में कोई चीज़ आप शुरू करें, मेरे एरिया की एक बात बताती हूँ कि मेरे एरिया में हर चीज़ बन गई है, आइसोलेशन सेंटर बन गया, क्वारंटीन सेंटर बन गया, और कंटेनमेंट जोन भी मेरा एरिया हो गया था। बट ये सब चीज़ें होते हुए हमें किसी भी चीज़ का हमें बताया नहीं गया। तो कल जब क्वारंटीन बन गया, तब लोग जब चिल्लाते हमारे यहाँ आए कि हम लोग के यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बन गया जी। और बाद में जब हमें पता चलता है तो ये एक गलत इम्प्रेशन लोगों के भी पड़ता है। आप क्या कर रहे हो, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, या आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए है,
तो अगर मुझे आयुक्त साहब ने बताया होता, हमें कॉन्फिडेंस में लिया होता, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की होती, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्रभाग में करनी हो तो इसमें हम लोग भी जो शामिल किया जाए तो हाँ, आप लोगों को समझा सकते थे, लोगों को एक आधा कोई चीज वहाँ पे उभारनी हो, नहीं कोई चीज तैयार भी करनी हो, तो हमको आजू बाजू में एरिया में जो लोग रहते हैं उनका एनओसी लेना होता है, उनसे पूछताछ, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बना लिया और कल अगर उन्होंने विरोध किया तो ये मनपा का भी एक तरह से पैसा वेस्ट होता है, फाइनेंशियल लॉस है, मैनपावर लॉस है। तो हम भी अगर कोई काम करते हैं तो हम लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके ही काम करते हैं, और यही तरीका माननीय आयुक्त जी ने करना चाहिए था। तो यही एक चीज़ कहीं तक भी मुझे लगता है कि गलत आयुक्त से हो गई है, कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कोई पावर देना नहीं चाहा, या उनको लगा कि मैं अकेला ही पूरा संभाल सकता हूँ। आई डोंट नो उनका क्या थॉट था, बट उनके काम करने का तरीका सही में गलत था। परिणीता जी से कुछ बातें और हमें और भी करनी है, कुछ उनकी जीवन शैली भी हमें जाननी है और आगे के उनके प्लान क्या है वो भी जानते हैं, लेकिन खास मुलाकात में इस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द ही मिलते हैं इंडिया न्यूज़ में। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप, चौबीस घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताज़ा खबरों के लिए इंस्टॉल करें इनबीसीएन न्यूज ऐप। इंस्टॉल द ऐप नाउ इनबीसीएन न्यूज। इनबीसीएन के दर्शकों का ब्रेक के बाद में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज की खास मुलाकात में हम गुप्तगु कर रहे हैं परिणीता फुके जी से, जो कि प्रभाग क्रमांक 13 के नगर सेविका है, और कोविड-19 के इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने अपने प्रभाग के लिए काफ़ी सारी तैयारियां की हैं, काफ़ी सारे काम किए हैं। इन्हीं कार्यों की जानकारी से हम शुरुआत करते हैं सेकंड सेशन में। परिणीता जी, क्या क्या योजनाएं आपने कोविड-19 में अपने प्रभाग के लिए की, जरा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि जिससे बाकी के नगर सेवक भी कुछ सीखे और वो अपने प्रभाव में उसको इम्प्लीमेंट करे। नहीं, सभी नगर सेवक अपने इस पे काम कर ही रहे हैं, पर जो मेरे प्रभाग में किए हैं मैं उसकी जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी था, जन जागृति बहुत आवश्यक थी कि कोविड क्या है, सोशल डिस्टेंस क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे ही आपने सुना तो लोग बाहर निकलने लग गए थे, बट मुझे खुशी हुई कि लोगों ने समझा, बहुत जल्दी उन्हें समझ में आया और क्या दर्द हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन्होंने समझ लिया और उस पर हम लोग ने बहुत जल्दी यानी कंट्रोल पा लिया था। हाँ जी, बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल आ गया था, तो लोग समझ गए थे। अभी जब भी वो बाहर आते थे तो एक तो कॉल करके ही आते थे, या फिर हम लोग ने भी अपने जनसंपर्क कार्यालय में मार्किंग्स करके रखी थी, 1 मीटर डिस्टेंस हमने मेंटेन करना है, मास्क वहाँ प्रोवाइड किए थे, सैनिटाइजर्स का वापर आपने करना है ये बताया था। तो जब हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो वो और जल्दी उसे सीख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल तौर पे भी हमने उसकी शुरुआत हमारे जनसंपर्क कार्यालय से की थी। दूसरा विषय था हाइजीन मेंटेन करने का। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और आज भी है, अब तो हमारे जीवनी के सामने, पता नहीं कोविड-19 कब तक है, तो हाइजीननेस तो हमारे जीवनी का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो ये भी उनको पहले बताना बहुत जरूरी था कि हाथ धोते रहना है, तो पर्सनल लेवल पे तो ये खुद ने हाइजीन मेंटेन करना है, पर एनएमसी की तरफ से हाइजीन के लिए सैनिटाइजेशन पूरे नागपुर में किया गया था, बट एक साथ ये कोविड आ जाने से पूरे नागपुर में सैनिटाइजेशन एक साथ होना जरूरी था, तो मशीनरी थोड़ी कम होने से हम लोग ने हमारे एरिया में 2 मशीन्स खुद हम लोग ने ली थी, जो हैंड पंप्स की जो मशीन्स थी वो मैंने खुद अपने खर्चे से लेके, और उसमें जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये बहुत कम इसमें आता है और ये एनएमसी भी प्रोवाइड कर रही थी, तो ये लेके हमने देखा कि घरों घर जाके सबके यहाँ ये फवारनी की गई, और बिल्डिंग स्कीम हो, स्लम हो, बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे भी हैं, पर पूरे प्रभाग में हम लोग ने देखा कि ये होना चाहिए, और इसी खातरी की कि हर घर पर हो चुका था। वैसे बाकी सैनिटाइजेशन एनएमसी की तरफ से भी हुआ था, तो इस तरह से हमने हाइजीन मेंटेन करने का भी काम किया। तीसरा, उनका जो राशन का था वो मैंने बताया कि राशन भी उपलब्ध करा के गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कुछ एज अ नगर सेविका हमने करना चाहिए था, जो एनएमसी ने करना चाहिए था, जो सरकार ने करना चाहिए था, मुझे लगता सब ने अपने जगह अपना अपना काम पूरी तरह करने की कोशिश की। जी, कहीं ना कहीं राजनीति को एक साइड में रखकर सभी ने देश हित में कही या समाज हित में सबने अपना अपना योगदान पूरी तरह से देने की कोशिश की। लेकिन इस योगदान में कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो समाज में उनको काफी क्षति पहुंचाती है, कभी दुख पहुंचाती है।
ऐसा एक मुद्दा आपने महानगर पालिका प्रशासन में उठाया था जो कि बहुत ही सीरियस है, बहुत ही और आजकल चर्चाओं का विषय भी है। डॉक्टर घंटावर जी की मैं जो केस है मैं उसके बारे में बात करूँ, ये मुद्दा सबसे पहले आपने उठाया था, तो कैसे आपको इसके बारे में जानकारी मिली थी? हमारे दर्शक भी इसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो आपका घंटावर, डॉक्टर घंटावर का जो विषय है, डॉक्टर घंटावर ये इंदिरा गांधी रुग्णालय के इंचार्ज थे जी। और इंदिरा गांधी रुग्णालय ये मेरे प्रभाग में आता है जी, बिल्कुल। तो जब मैं नगर सेविका बनी थी तो मेरा एक ये था कि एज अ नगर सेवक, देखो वाटर गटर मीटर ये काम हमारे है डेली, रूटीन काम है, बट इसके अलावा भी एक अच्छा, अगर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आपको एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए जी। तो इस थॉट से मैंने मेरे एरिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसका दौरा लिया था, और मेरे एरिया में इंदिरा गांधी रुग्णालय सबसे बड़ा रुग्णालय था, और जो सबके लिए एक में वो रुग्णालय जो रिकॉग्निशन भी आप देखिए, एक अच्छा रिकॉग्निशन था। तो मैं वहाँ पे विजिट के लिए गई थी और मैंने देखा कि बहुत ही बुरी तरह से वो रुग्णालय चल रहा था, जिस कंडीशन में, एक तो सिविल कंडीशन भी उसकी बहुत ख़राब थी और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी, और जो गिने चुने डॉक्टर्स हैं अगर वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो तो एरिया के लिए ये सही में कॉम्प्रोमाइजिंग विद द हेल्थ इश्यूज ऑफ द पब्लिक। तो मुझे ये कहना है कि अगर आप एज अ डॉक्टर काम करें, डॉक्टर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खेलें, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पटी नहीं थी। तो मैंने 2-3 बार पहले विजिट की, पहले खुद समझा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं, वहाँ के डॉक्टर्स से भी बात की, और ये सब करते हुए मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि इरेगुलरिटीज इन अटेंडेंस, यानी जो मस्टर रोल था वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए ही नहीं थे 2-2 साल से। मैंने तो 17 से देखा उसको, 2 साल ही अपने आप में बहुत बड़ा कार्यकाल हो जाता है, बट जब मैंने पहले भी उसकी माहिती निकाली जिन्हें मैंने ज्वाइन करने से पहले भी एज ए नगर सेविका, तो उसके पहले भी मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर्स तब भी से भी प्रेजेंट नहीं थे, और उसका जब रीज़न देखा तो पता चला कि दांपत्य खुद वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक में को वो सपोर्ट में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत मुझे लगा, और इसलिए मैंने उस पर आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद एक कमेटी बुलवाई गई थी, उनकी वाइफ शीलू चिमुरकर ये वहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर, इन दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था 2007 में। तो मुझे बहुत बार इनडायरेक्टली तो पता चला ही था कि मैडम आते ही नहीं कभी, पर कोई खुल के वहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब इंचार्ज उनके हस्बैंड हो तो सबको थोड़ा डर लगता है, शायद इसी, हाँ शायद इसी डर से कोई फ्रैंकली बताता नहीं था, लेकिन मेरे इतने विजिट हो चुके थे तो मुझे ही खुद समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है जिसको मुझे आगे लाना है। तो मैंने मास्टर रोल मंगवाया, तो बहुत बार तो मास्टर रोल है ही नहीं, लॉकर्स में है, सर के पास है, तो मुझे मिले नहीं। तो मैंने 2-3 बार सरप्राइज विजिट थी बिना बताए, और मास्टर रोल देखे, मैंने फोटोज भी उसके निकाले थे कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, प्रॉक्सी साइन की जाती है, और ये मैंने आयुक्त जी को बताया था। उस टाइम पे मुदगल सर थे आयुक्त, जी, जी, जी। और मुदगल सर को फिर मैंने विजिट करने के लिए भी अप्रोच किया था, और उन्होंने विजिट किया, और विजिट के दरमियान उन्होंने भी देखा कि ये बहुत अनियमितताएं हैं, तो फिर उन्होंने एक कमेटी बुलाई, एक मीटिंग लगवाई, उसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स थे वो भी थे, और हेल्थ ऑफिसर जो इंचार्ज थे उन सबको बुलाया था, और फिर उसके ऊपर हम लोग ने हमारे निर्णय दिए थे कि इस तरह से यहाँ पे चल रहा है जी। उस टाइम पे उन्होंने जो मस्टर था चेक किया था, और उस बेसिस पे एक रिपोर्ट उनके तक गई थी, और वो रिपोर्ट पे फिर उन्होंने वर्क किया, तब उनको पता चला कि कहीं तो ये इरेगुलरिटी पता चल मतलब रही उस, है उस का, हाँ, जो आपने कंप्लेंट की थी उसमें कहीं ना कहीं ट्रुथ है, ट्रुथ है, और कुछ तो प्रॉब्लम गड़बड़ इस हॉस्पिटल में चल रही जी, है जी। तो उस बेसिस पे उन्होंने सिर्फ 80 डेज की सैलरी कट डाउन करके उनको लिया जाए ऐसा आदेश निकाला था, पर ये भी मुझे कहीं समाधान कारक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो इंसान 2-2 साल से आया नहीं है। अच्छा, ये तो अभी माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे जी का ये था कि 80 डेज हमने उनका सैलरी कट कर दिया है, इस तरह का पनिशमेंट हमने उनको दे दिया है, इसलिए वो अभी कंटिन्यू कर सकती है। मुझे नहीं पता कि उनका क्या रिलेशन है माननीय आयुक्त जी से जी। क्योंकि ये इतना बड़ा, और डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं जी। तो अगर डॉक्टर्स ऐसे करेंगे तो हम समाज के सामने क्या एग्जाम्पल्स रखेंगे, तो मुझे वो पटा नहीं। इसलिए मैंने फिर से जब माननीय हमारे दया भैया ने ये विषय उठाया था उसके ऊपर मुझे सदन में, ये विषय आया, उन्होंने बहुत सविस्तर पूरी माहिती दी थी, और ये मेरा प्रभाग का विषय था और इस पर मैं काम कर रही थी, करके फिर मैंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए।
तो 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है, उस पर पूरी अभी उस पर चर्चा होने वाली है, पूरा जो कुछ है अभी तो विषय जो है कोर्ट में प्रलंबित है उनको अस्थायी रूप से, मैं आपकी जानकारी शायद आपको बताई होगी, उनको सस्पेंड किया हुआ है, नहीं उनको सस्पेंड किया है, अस्थायी रूप से उनको जमानत भी मिल गई है, कोई मड़ा भी है उनका भी केस करप्शन का लगा हुआ है, तो अभी काफी उनके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है। मेरा विषय तो खैर आईजीआर का था और आईजीआर से मैंने लिमिटेड रखा था खुद को कि वहाँ पे जो मेरे प्रभाव में कोई गलत काम हो नहीं होना चाहिए, ये एज अ नगर सेविका मुझे लगा और इसलिए मैंने उनके ऊपर कार्रवाई करने का ये किया था। उसका दूसरा ये कि आईजीआर के लिए मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में जब एंटर करो तो एक रुग्ण को ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहाँ ठीक होने आया हूँ, जब आप एंटर करते हो तो ऐसा लगता है इतना खराब ठीक होने आया हूँ और बीमार होने आया हूँ। तो मुझे ये भी एक कंडीशन आईजीआर के इंचार्ज से पूछना चाहा मैंने डॉक्टर घंटावार से कि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आप इतनी बातचीत हुई थी उनके साथ, हाँ जी मेरी बातचीत हुई थी कि इतना बेकार हॉस्पिटल आप कैसे, मैंने इसको मेंटेन तक नहीं किया आपने, कम से कम समय वहाँ बिताते होंगे तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं, फिर मुझे पता चला धीरे धीरे कि यहाँ बैठते ही नहीं है वो जी, उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये छोटी छोटी चीजें निकलने लगी क्योंकि जब आप इंचार्ज हो इतने साल से 2007 से काम कर रहे हो तो ऐसे कैसे आप इतने बेकार हॉस्पिटल को आप रख सकते हो, तो कहीं आपने आवाज उठानी चाहिए थी, आपने बुलाना चाहिए था, करवाना चाहिए था। तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया, आयुक्त सर जब आए थे मुदगल साहब, तो उसके पहले हार्डिकर सर को भी मैंने बोला था, उनका ट्रांसफर हुआ मुदगल सर आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फिर स्टैंडिंग में ये फाइल भी आई थी, माननीय विक्की कुकरेजा तब स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष थे, उन्होंने फंड उपलब्ध करा के दिया था और बाद में 52 करोड़ हिसाब से भी हुआ था, लेकिन अभी DPC का फंड मिला नहीं है, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। काफ़ी लोगों के सपोर्ट से आज IGR बहुत अच्छा बन गया है, अगर आज आप जाके देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। तो मुझे कहीं तभी एक समाधान है कि प्रभाग के लोग वहां पर जाके अच्छा इलाज कराएंगे, क्योंकि उनको वहां जाने के बाद बोला जाता था मेयो में जाओ, मेडिकल में जाओ, तो आज उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहां कुछ डॉक्टर की कमतरता है, तो उसके लिए भी हम जल्दी ही प्रशासन के साथ में आपका वो नित्य का झगड़ा, नित्य का झगड़ा चलेगा और डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी हम जल्दी वहां करवाएंगे। अब जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपने एक आवाज उठाई और उसके ऊपर में कुछ होता दिखाई दे रहा है, अब तक की जो कार्रवाई उस पर आप समाधानी है? समाधानी पूरे रूप से नहीं हूँ, अभी भी कार्रवाई चल रही है, डिसीजन नहीं आया, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ऐसा लग रहा है कि कहीं डिले हो रही चीजें, डिले हो रही है इसमें, मुझे कहीं तो भी पर्सनल कुछ रिलेशंस का जो है या इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से माननीय आयुक्त ने जब सभा में हम लोग ने आवाज उठाई थी कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनका पूरा प्रूफ ऑलरेडी दिए गए थे कि ये 2016 से मैडम 2018 तक थी नहीं, वो कहीं राजनीतिक पार्टी के साथ इन्वॉल्व थी, कहीं इलेक्शंस के लिए इन्वॉल्व थी जी, मध्य प्रदेश में एक पक्ष की तरफ से तो उनके तो पूरे फेसबुक पेज पे वो दिखता है, हाँ तो वो एक, तो, शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, तो ये उनका पर्सनल लाइफ है, मुझे उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि जनता के साथ में अगर किसी तरह का खिलवाड़ किया है, चाहे फिर वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको उसका अंजाम जरूर होना चाहिए ताकि लोगों तक एक सही पॉजिटिव मैसेज जा सके, जिसकी शुरुआत आपने की, इसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं। ये चीज बार बार बताए जाने के बाद भी किसी ने इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले काम नहीं किया, मुझे इसका भी बहुत आश्चर्य लगता है, समय लेते हुए सही कार्यवाही नहीं की गई, समय लेते हुए सही कार्यवाही होती थी तो आज तक वो मैडम वहां रहती नहीं, पहले ही हो जाता था, लेकिन उस सदन में जिस तरह से तुकाराम जी मुंडे आयुक्त जी ने ये कहा कि मैडम को 80 दिन का हमने पगार काट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि 80 डेज का पेमेंट उनके लिए कोई मायने रखता है। जब आप अभी जो करप्शन केस चल रही है, जितना वो अभी दिखा रहे हैं टीवी पे कि उनके तो आय जो है अभी की वो उनसे आय से कहीं अधिक, उनकी संपत्ति डिक्लेयर हुई है, तो उनके लिए 80 दिन का पेमेंट शायद ही कोई मायने रखता है, तो ये पनिशमेंट तो किसी तरीके से मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इवन डॉक्टर घंटावार के लिए भी जो कुछ माननीय आयुक्त ने कहा था कि हम देखेंगे और फिर उनको सस्पेंड करेंगे, मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो उनको सस्पेंड करने का निर्णय वहीं के वहीं ले लिया होता, तो इसलिए कहीं तभी मुझे उनके पर्सनल रिलेशंस पे ऐसा लगता है कोई इन्फ्लुएंस है, या फिर ये मैडम कांग्रेस से कर रहे थे तो सब कहते हैं कि पता नहीं मुंडे साहब भी कहीं वहीं से नहीं आए तो ये पता नहीं, ये तो बातें चल रही हैं, ये जो खैर बातें हैं क्या सच्चा है, तो मुझे लगता है कि जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत ही जाहिर होना चाहिए। थोड़ा सा हम एक अलग विषय की तरफ चलते हैं, आप नगर सेविका भी हैं और आपने इतने अच्छे काम भी किए हैं, उसके साथ में आप एजुकेशनलिस्ट भी हैं,
तो ये करते हुए और आज कोविड 19 में जो एक गैप सी बढ़ गई थी एक एजुकेशन में, बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक आप एजुकेशनिस्ट भी आ गई, इसमें शिक्षक वर्ग भी आ गया, पेरेंट्स भी आ गए और बच्चे भी आ गए, इस कड़ी को संभालना और ऊपर से ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, आप इस सब को कैसे लेती हैं आगे आने वाले भविष्य के पर्सपेक्टिव, बच्चों के भविष्य के हिसाब से? कोविड 19 ये किसी भी दृष्टिकोण से देखो सबके लिए चैलेंजिंग था, किसी भी सेक्टर के लिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, तो सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग फेज था। बट इसमें अभी की जैसे ऑनलाइन एजुकेशन को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अगर मैं सोचूं तो हम लोग ने हमेशा बच्चों का भला ही चाहा है जी। और बच्चे एक पेरेंट्स के हिसाब से सोचो तो बच्चे हमारे लिए एक असेट होते हैं। आज पेरेंट्स करके मैं कितना भी काम करूं, कुछ भी है, तो मैं मेरे बच्चे के भविष्य के लिए सोच के करती हूं। बिल्कुल। और आगे जितना कुछ लगता है उसके भविष्य के लिए लगाने के लिए एज अ पेरेंट मैं तैयार रहती हूं। तो और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी हो जाए, बुरी से बुरा इन्वायरमेंट यानी सिचुएशन आ जाए, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। और क्योंकि सब कुछ जो खड़ा है आज एजुकेशन के भरोसे है, तो कोविड एक ऐसा चैलेंज आ गया है जहाँ मुझे लगता है कि पेरेंट्स कोई पॉजिटिव ले रहा है तो कोई उसे अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। बट एज अ स्कूल ओनर या मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 22 मार्च से हमारी स्कूल्स बंद होने लगी थी जी। तो मार्च ये ऑलमोस्ट एंड होता है किसी भी सेशन का, क्योंकि 1 अप्रैल से मेनली छुट्टियाँ एग्जाम होती है और 13-14 से छुट्टियाँ लग जाती हैं। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट उनका लास्ट ईयर का ख़त्म हो गया था मार्च में ना, ऑलमोस्ट यानी लास्ट ईयर का कोई भी लॉस बच्चों का हुआ ऐसे मुझे लगता नहीं है। सिर्फ अगर एग्जाम उनकी नहीं हुई, लेकिन अगर आप देखो तो 8th स्टैंडर्ड तक वैसे भी हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, किसी को भी हम फेल नहीं करते RTE के एक्ट अनुसार। तो हम लोग ने सबको प्रमोट किया, ये स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि हमें प्रमोट करना है और सिलेबस उनका सब हो गया था, उनके असेसमेंट के बेसिस पे उनको हमने प्रमोट किया। तो जहाँ तक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो मुझे ये लगता है कि बच्चों का किसी तरह से भी नुकसान हुआ है, पूरा साल उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है और फिर अप्रैल से छुट्टियाँ लग जाती हैं, जून तक वैसे भी हर साल छुट्टियाँ होती हैं और जून जो लास्ट वीक होता है जनरली 24th या 26th जून से स्कूल फिर से रीओपन होती है। तो उसी अनुशंगा से हम लोगों ने उसी तरीके से हमने काम करने का कोशिश की, प्लान कर लिया। हाँ जी, एक प्लान हम लोग स्कूल के बेसिस पे सबने किया था कि मार्च खत्म हो गया तब तक सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट से हमको कुछ नोटिफिकेशंस आते नहीं है हम स्कूल तो नहीं खोल सकते थे। कुछ दिन तो पूरी स्कूल टोटली बंद रही, बट अभी अभी सभी ने स्कूल्स खोले हैं क्योंकि 15% एम्प्लॉयज अलाउड है, स्कूल खोले हम लोग ने और इसके ऊपर वर्कआउट किया, प्रॉपर ERP बनाया और एक लौता जो सोल्यूशन अभी हम दे सकते थे वो ऑनलाइन एजुकेशन था, क्योंकि देखो किसी भी तरीके से बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी बताया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ने सोचा और ऑनलाइन एजुकेशन आज सब बच्चों के लिए शुरू हो गया है, मैक्सिमम स्कूल ने स्टार्ट कर दिया। उसमें 9th-10th जनरली अप्रैल में सेशन शुरू होते हैं, तो बहुत सारे स्कूल ने अप्रैल में ही 9th-10th ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, जून में भी दिया और बाकी जो क्लासेस हैं ये 1 जुलाई से ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ने शुरू किए हैं। तो इस तरह का एक सोल्यूशन हमने अभी पेरेंट्स को देना चाहा है, मैक्सिमम पेरेंट्स उसको ले रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं। कुछ पेरेंट्स का कुछ क्वेरीज है, वो एज अ पेरेंट मैं सोचूं तो कभी कभी लगता है कि बराबर है, पर उस पे भी काफ़ी सोल्यूशंस देने की कोशिश हम कर रहे हैं जी। एक प्रोसेस होता है कि उस नया प्रोसेस जब आता है तो उसको आप अडॉप्ट करें, उसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करते हुए कुछ ना कुछ मुसीबतें तो आएगी। हाँ जी। फिर आपको उन तात्कालिक मुसीबतों को मात करके आपको आगे बढ़ना है। बराबर। अभी समय की हमारे पास में कमी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके जीवनी के विषय या आपके पर्सनल आप सभी फील्ड्स में हैं, राजनीति में हैं, आप अब एक परिवार भी संभालती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, उसके बावजूद आपके चेहरे पर कोई शिकन या कभी कोई कुछ ऐसा नहीं है, ये इसके पीछे का राज क्या है? मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए कहा कि आप जो भी काम करते हैं अगर आप उसको मन से करें, दिल से करें, इंजॉय करें, तो हर चीज़ बहुत सरलता से आप कर सकते हो। बस यही है कि मैं जो काम करती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में जब आई थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में थी। एक्सीडेंटल एंट्री? एक्सीडेंटल नहीं कहेंगे, इन्फ्लुएंस्ड एंट्री। एक कोइंसिडेंस था, इट वाज अ कोइंसिडेंट कि मैं आ गई, कुछ निर्णय करने पड़े टाइम पे कि मुझे लड़ना पड़ा। बट मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है उसको निभाना चाहिए, उसको एक्सक्यूज देते हुए हमने पीछे नहीं भागना चाहिए जी, जी। कि मैं गलती से आ गई या मैंने कुछ किया, अब मैं बन गई हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है
और उसको अगर आप उसका हैप्पीनेस लो, मजा लो, तो बहुत सरलता से आप सब निभा सकते हैं। हमारे दर्शक वर्ग में महिला वर्ग काफी जुड़ा हुआ है, आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? महिला खुद में एक शक्ति है। महिलाओं को यही कहूँगी कि अपने शक्तियों को पहचानो। अगर आप में कोई भी गुण है तो उस गुण को आगे लाने की कोशिश करो, और जो कुछ आपके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि महिला करके आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत बार डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंजेस को कैसे लेते हो। अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू। दर्शकों से मैं बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन एक परीक्षा होती है। परीक्षा देने की शुरुआत हमने ज़रूर करनी चाहिए, उसमें मार्क्स कितने मिलते हैं ये तो बात की बात है। आज इस इंटरव्यू में जो मैंने सीखा है, मैं बस आपको वही बताता हूँ कि हम कभी फेल नहीं होते, मार्क्स हमें ज़रूर मिलते हैं। वो कितने मिलेंगे वो हमारी प्रतिभा और हमारे उस प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इस चीज़ को आत्मसात करते हैं। जिंदगी परीक्षा है, उसे दीजिए, हंसते खेलते दीजिए। आप देख रहे हैं परिणीत जी का चेहरा कितना उत्स्फूर्त है और इंथुजियाज्म से भरा हुआ है। हमें अपनी लाइफ में इनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसी और किसी खास मुलाकात के साथ में हम हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। थैंक यू।